नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। श्री राम शरण दास भयाना मेमोरियल RSDBM ट्रस्ट की ओर से अब हर सप्ताह बुजुर्गों के लिए निशुल्क OPD का आयोजन किया जाएगा। इसी प्रकार की पहली OPD का शुभारंभ मॉडल टाउन कम्युनिटी सेंटर में हुआ। इस अवसर पर नगर निगम के मेयर मनमोहन गोयल, DC कैप्टन मनोज कुमार और SP राहुल शर्मा प्रमुख तौर पर मौजूद रहे। इस सुपर स्पेशलिटी OPD में फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम से गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के डॉक्टर अरविंद खुराना, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष जांगिड, दिल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रोहित गोयल और यूरोलॉजी विशेषज्ञ डॉक्टर वरुण मित्तल ने बुजुर्गों की जाँच की। RSDBM ट्रस्ट के चेयरमैन सुमित भयाना ने बताया कि OPD में कुल 8 डॉक्टरों द्वारा मरीजों की जांच की जाएगी और ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, बोन डेंसिटी, ECG, BDT, CBC और RT-PCR टेस्ट भी निशुल्क किए जाएंगे। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन भी OPD के दौरान किया गया। रोहतक से हमारे संवाददाता टिंकू परमार की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं राम शरण दास भयाना मेमोरियल ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को, उनके प्रधान को बधाई देना चाहता हूं कि ये एक अच्छी शुरुआत उन्होंने की है रोहतक की जनता के लिए। साथ में मैं फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव के डॉक्टर्स का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने एक काइंड ऑफ जॉइंट वेंचर ये ट्रस्ट के साथ रोहतक के लोगों के लिए किया है। अपने रोहतक के स्वास्थ्य विभाग का भी मैं धन्यवादी हूं कि उनके सहयोग से ये आयोजन हो रहा है। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, ये एक निशुल्क की कब तक आएगी, बट हमें इसके बारे में अवेयर होना चाहिए, तो इसके लिए हमें पहले से ही सारी तैयारी करके रखनी चाहिए, बहुत एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और हॉस्पिटल की तरफ से और एज ए डॉक्टर की तरफ से भी और एज अ अगर जो हमारी जनता है उनको भी, तो हमें पूरा ख्याल रखना चाहिए कि तो हम जो मार्केट जाए तो भीड़ में नहीं जाए, भीड़ अवॉइड करें, अपना मास्क, अपना डिस्टेंस जो कि मोदी जी बोलते आ रहे हैं शुरू से, उनको फॉलो करें और जो हमारी कर्तव्य है वो ये है कि हमें वैक्सीन लगानी चाहिए जल्दी से जल्दी। जब भी आपको मौका मिलता है, आपका नंबर आता है, वैक्सीन लगवाइए, कम से कम एक वैक्सीन नहीं तो दो वैक्सीन आइडियली, ठीक है। और डेल्टा स्ट्रेन जो है वो कहते हैं कि सबसे खतरनाक। मैं सुमित भयाना, चेयरमैन श्री राम शरण दास भयाना मेमोरियल ट्रस्ट। आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहले तो जितने भी लोग आए हैं प्रशासन से, फोर्टिस अस्पताल के डॉक्टर और इवन जो हमारे मेंबर्स हैं और जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, मैं सबको बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो अपने काम को छोड़ के अपने बिजी शेड्यूल से यहाँ पे आए और हमारे इस प्रोग्राम की उन्होंने शोभा बढ़ाई। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2 साल से हमारी जो ट्रस्ट है वो सीनियर सिटीजन्स के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही है। हमने जब ये ट्रस्ट शुरू किया था तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी और वो थी कि कैसे हम बुजुर्गों को इमरजेंसी के टाइम पे हेल्प करें। तो हमने उनके लिए जो शुरू करी सबसे पहले थी वो एम्बुलेंस सेवा, कि अगर किसी को कोई भी इमरजेंसी हो जावे तो उस टाइम पे हमारी एम्बुलेंस उनको इमीडिएटली इवैक्यूएट करके जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ तक लेके जाए। आज इस तरह से शिविर लगाया हुआ है लोगों का, क्या अपने अब तक और संस्थाओं को इस तरह से आगे आना चाहिए ताकि बुजुर्ग आदमियों की सेवा की जाए आज के लिए? देखो, ऐसा है कि हम लोग डॉक्टर हैं सेवा के लिए, तो हमारा हमेशा रहता है जो भी काम है 10% हमें समाज को वापस करना है, तो उसमें हम कैंप लगाना, फ्री ओपीडी करना, मरीजों की सेवा करना, तो ये होना चाहिए। और हमेशा तो हमेशा इसी फेवर में कि हमेशा कैंप लगते रहने चाहिए जिसमें सीनियर डॉक्टर भी हैं और जूनियर डॉक्टर भी हैं और मरीजों की सेवा करें, खासकर वो जो तबका जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसमें बहुत जरूरी है कैंप लगाना, बहुत जरूरी है। कौन कौन सी बीमारी आजकल ज़्यादा? देखो, जहाँ मैं हूँ पेट विशेषज्ञ, तो आजकल हम फीवर की बीमारियाँ बहुत देखते हैं, खाने पीना ठीक है नहीं, बाहर खाना पीना। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।